नमस्कार, मैं निशांत लांजा और आकाश न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बौनी के रेप तस्करी पर एसपी ने कसा शिकंजा, 12 टिप्परों के साथ 8 जेसीबी जब्त, 9 आरोपी गिरफ्त में। भंडारा जिले के पौनी तहसील में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध रेत तस्करी पर भंडारा जिले के पुलिस अधीक्षक ने अचानक शिकंजा कसते हुए 8 जेसीबी के साथ 12 टिप्पर जब्त किए हैं। ये भंडारा पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। बताया गया कि पुलिस ने इस कार्रवाई में 9 आरोपियों के खिलाफ पौनी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। भंडारा जिले से बह रही वैनगंगा नदी के रेत को पूरे विदर्भ में बड़ी पैमाने पर मांग है, लेकिन भंडारा जिले में रेत घाटों की नीलामी नहीं होने से रेत तस्करों द्वारा अवैध रेती तस्करी कर करोड़ों रुपए का सरकार का टैक्स डुबाया जा रहा है। भंडारा जिले के पौनी तहसील रेत तस्करी में अव्वल रहकर दिन में समाज सेवा के नाम पर कुछ नेताओं ने रात को रेती की चोरी कर लाखों रुपए कमाने का धंधा जोर शोर से शुरू किया है। कई शिकायतें करने के बाद भी जिला प्रशासन, तालुका प्रशासन रेत माफिया के सामने घुटने टेक कर बैठे थे। कार्रवाई की कई बार कोशिश करने के बाद भी रेत तस्करों को पहले ही जानकारी मिल जाती थी, लेकिन इस बार भंडारा एसपी द्वारा पूरी टीम के साथ शादी के बाराती बनकर अपने ही गाड़ियों को सजा धजा कर पौनी तहसील के खाटकुड़ा परिसर में वैनगंगा नदी घाटों पर पहुंचकर रेत तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़े। भंडारा पुलिस की कार्रवाई से अवैध रेत माफियों में हड़कंप मच गया है। वही आम आदमी पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए पूर्ण रूप से रेती तस्करी बंद होने की मांग ग्रामस्थ कर रहे हैं। देखिए आकाश न्यूज की खास खबर। पौनी तालुक्यामध्ये रेती घाटावर अवैध वाळू तस्करी होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या। त्याबरोबर मी स्वतः आणि माझ्यासोबत एक PI, 2 API आणि जवळपास 15 कर्मचारी आम्ही 3 कारमध्ये प्रायव्हेट गाडीमध्ये तिथे गेलेलो होतो आणि तिथे जाऊन आम्ही वाळू तस्करांविरुद्ध कारवाई केलेली आहे। या कारवाईमध्ये आम्ही JCB, टिप्पर आणि रेती तिन्ही पण जप्त केलेले आहे। जवळपास याच्यामध्ये 8 JCB आणि 12 टिप्पर आम्ही जप्त केलेले आहे। सदर प्रकरणामध्ये 9 लोकांना आता ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे आणि पुढील कारवाई आम्ही करत आहोत। मध्ये थोडी गोपनीयता ठेवण्यासाठी आम्ही ती पद्धत अवलंबली होती। याच्यामध्ये आम्ही लग्नासाठी गाडी घेऊन जातो अशा पद्धतीने आम्ही गाड्यांवर हे केलेलं होतं आणि त्यांनी आमची रेड पण सफल झाली।